माई शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों जैसे मैं पहले भी कहता था कि राधे द मोस्ट अनवांटेड भाई कि जो फेक कलेक्शन आ रहे जी फाइव वाले दिखा रहे, 105 करोड़ का कलेक्शन फर्स्ट डे हुआ है, 250 करोड़ का 3 दिन में हुआ है, 400 करोड़ का हुआ है। और मैं शुरू से बोल रहा था ये सब फेक कलेक्शन है। पिक्चर रिलीज होने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि पिक्चर रिलीज होने के बाद ये सब फेक कलेक्शन आएगी। और फाइनली ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाटा उन्होंने भी बोल दिया कि ये पिक्चर का कलेक्शन फर्स्ट डे इज नॉट 105 करोड़, 20-25 करोड़ का कलेक्शन हुआ है फर्स्ट डे। देख लिया, फुट गया भांडा। अरे मुझे तो शुरू से पता था ये सब फेक दिखा रहे जी फाइव वाले, सलमान खान फिल्म्स ये पिक्चर को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सब फेक कलेक्शन सिर्फ ये सब लोग दिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ ये सब, कितने एक्टर्स लोग क्या करते थे, हम लोग को टिकट्स फ्री में देते जब स्कूल में थे, हम लोग को टिकट्स देते थे फ्री में, इंटरवल के लिए पैसे भी देते थे, बोले ये टिकट्स लो जाओ फिल्म देखो, मेरी एंट्री होगी सीटी बजाना, तालियां बजाना मेरे डायलॉग्स में, तो ये सब होते रहता है। कितने डायरेक्टर को हमने देखा है क्लैश होता है तो लोग क्या करते हैं, जो एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को क्या करता है, उसकी फिल्मों की टिकट सब खरीद लेता है और बाद में अगर 100 रुपये की टिकट हो तो 50 रुपये में बेचेगा, आधे दाम में बेचेगा थिएटर के बाहर उसका नाम खराब करने के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स हैपेंस। दो फिल्में रिलीज हुए तो क्या करता है, पूरा थिएटर खरीद लेगा और फिल्में टिकटें बांटेगा, तो लोग बोले ये फिल्में टिकट मिल रही है तो ये पिक्चर गंदी पिक्चर रहेगी, खराब पिक्चर रहेगी, फ्लॉप रहेगी, तो ये सब टेक्निक चलते रहती है। तो यही टेक्निक जी फाइव वालों ने भी चलाई लेकिन लोग उल्लू बन गए। लेकिन मैं शुरू से समझाता हूँ कि राधे का फेक कलेक्शन दिखा रहे, अगर 105 करोड़ फर्स्ट डे में करेंगे, 3 दिन में 250 करोड़ करेंगे, तो कोई गधा नहीं जो थिएटर में पिक्चर डालेगा, वो OTT पे डालेगा। तो फाइनल ये रिवील हो गया, कोमल नाटा जी ने बता दिया कि राधे के फर्स्ट डे के कलेक्शन 20-25 करोड़ रुपये हुए और वो 100 करोड़ तक पहुँचेगी भी नहीं, लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं पहुँचेगा 100 करोड़ तक। और ओवरसीज का कलेक्शन भी लैक्स में आ रहा है, हर जगह से लैक्स में आ रहा है, कोई भी कंट्री से करोड़ों में नहीं आया। तो ये भी बहुत बड़ा धक्का लगा है SK फिल्म्स को। और जहाँ पर इंडिया में जहाँ पर लगी थी फिल्म वहाँ पर भी 3 दिन का कलेक्शन सिर्फ 60,000 आया, 60,000 कलेक्शन 3 थिएटर में से आया, वो भी 3 दिन का, यानी कि 20,000 कलेक्शन 1 थिएटर का आया। तो आप समझिए स्टारडम पूरा ख़त्म हो गया सलमान खान का। अभी उनको फिल्म करनी है तो फिर अक्षय कुमार जिस तरह की फिल्में करते, द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जिस तरह की फिल्में करते, उस तरह की फिल्में करनी पड़ेगी। ये जो अभी जो कर रहे हो ब्रेसलेट घुमा रहे वो सब नहीं चलेगा, अभी वो सब बंद करना पड़ेगा तो ही उनकी फिल्में चलेगी, वरना इट्स एंड ऑफ द स्टारडम। तो गाइस आज मैंने आखिर प्रूफ ही कर दिया कि C5 और सलमान खान फिल्म ने राधे के फेक कलेक्शन बता रहे इतने टाइम से। और जो यूट्यूबर है जिनको कुछ पता नहीं कलेक्शन के बारे में, कुछ पिक्चर का नॉलेज नहीं है, खाली यूट्यूब पे कैमरा ऑन करके बोलते रहते इतना किया इसने, इतने इधर कलेक्शन किया, इतना धूम मचा, इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे बाबा कुछ रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, वो जिसने रिलीज़ की ना उसकी कमर टूट गई जी फाइव वाले की, बाकी कुछ नहीं हुआ, वही टूटी खाली कमर टूट गई उसकी, कुछ किधर कुछ हंगामा नहीं मचाया। सब बोलते ये बिक गया वो बिक गया, राधे के ने इस इतना कलेक्शन हुआ कि ये बिक गया वो, अरे कुछ नहीं बिका, खाली जिसने ये रिलीज़ की ना पिक्चर जी फाइव ने उसका घर बिक गया, उसकी गाड़ी बिक गई, पिक्चर ने इतनी हालत ख़राब हो गई है राधे की। तो प्लीज़ आप फेक कलेक्शन अभी मत दिखाओ। और यूट्यूब से वो विनती है कि ऐसा फालतू का कलेक्शन दिखा के, झूठ मूठ का कलेक्शन दिखा के लोगों को उल्लू मत बनाओ। राधे द मोस्ट अनवांटेड बॉय इज एन एपिक डिजास्टर। सो गाइज, if you're not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Till then, this is bye-bye, saying goodbye and God bless you all.